नमस्कार दोस्तों, आज फिर से विश्लेषण की कड़ी में अगला विषय लेकर आते हुए मुझे बहुत खुशी है। विश्लेषण इस सीरीज में हम लोग दिन प्रतिदिन की घटनाओं को लेकर उनका विश्लेषण करते हैं, जिससे कि हम जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय सही हो सके, और गलत निर्णय क्यों लेते हैं ये थोड़ा सा हमको ही स्पष्ट हो सके। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगे और इसमें ये जो विषय बताया जा रहा है ये आपको उपयोगी लगे, तो आपसे एक अनुरोध है, बल्कि दो अनुरोध है। पहला अनुरोध यह है कि ये वीडियो आप जो देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको ज़रूर दबा दें। उसके बगल में एक घंटी का चित्र है, उसको भी प्रेस कर दें। इससे हम विश्लेषण में जो कुछ प्रस्तुत करेंगे वो आपको मिल जाएगा। एक अनुरोध और है, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम लोग कितनी फालतू बातें शेयर करते हैं, उससे लोगों का समय बर्बाद होता है, लेकिन उपयोगी बातें शेयर करने में हम लोग बहुत हिचकिचाते हैं, इसलिए शेयर करना मत भूलें। आज मैं एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जो समाज में काफ़ी आम घटना है। हाँ, लोगों को इन घटनाओं का पता नहीं चलता, लेकिन ऐसी एक घटना, एक बार मुझे कई बार ऐसी घटनाएं पता चली हैं, लेकिन एक आज जो घटना बता रहा हूँ उसमें एक बार एक लड़का और लड़की मुझसे मिलने के लिए आए। दोनों होंगे 22-23 साल के, मतलब परिपक्व लगभग हो चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अंकल, आपने हमेशा हमको एकदम से अच्छे सुझाव दिए हैं और हमारे साथ आपका व्यवहार बहुत ही कर्टसी से भरा हुआ है, इसलिए हम आपको एक सूचना देने के लिए आए हैं। मुझे कुछ कुछ अनुमान हो गया कि ये क्या सूचना है, फिर भी मैंने कहा कि अच्छा ठीक है बेटे, बताओ क्या सूचना देने के लिए आए हो। तो उन दोनों ने कहा कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हमने ये निर्णय किया है कि हम दोनों अपने घर से भाग जाएंगे और भाग के कहीं जाके शादी कर लेंगे। मैंने पूछा कि अच्छा, भाग जाओगे और शादी करोगे, क्यों भागना चाहते हो? तो दोनों ने कहा कि हमारे माँ बाप शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं? तो लड़के ने बताया कि पापा का कहना है, बेटा पहले नौकरी कर लो जिससे कि लड़की का खाना खर्चा उठा सको। लेकिन अंकल, मैं इतने समय इंतज़ार नहीं कर सकता। लड़की बोली कि मेरे पापा मम्मी कहते हैं कि शादी तुम्हारे चुनाव के अनुसार करने के लिए हम तैयार, लेकिन शर्त यह है कि लड़का ऐसा हो जो कि कमाता खाता हो और जो तुमको खाना कपड़ा दे सकता हो। ओह, तो मैंने कहा कि तुम लोग इसलिए भागना चाहते हो कि परिवार वाले थोड़ा सा वेट करने को कह रहे हैं। दोनों ने कहा हाँ। तो मैंने पूछा कि अच्छा, एक बात बताओ बेटा, कहाँ जाओगे भाग के? तो उन्होंने कहा कि अंकल जी, हम दिल्ली जाने की सोच रहे हैं। दिल्ली क्यों? इसलिए कि दिल्ली में नौकरी वगैरह की संभावना ज़्यादा है, लोग कितनी सारी मृग मरीचिकाओं के पीछे भागते हैं। मैंने सोचा कि ये जो मरीचिका है उसके बारे में मैं इनको थोड़ा सा बताऊं। तो मैंने कहा दिल्ली में जाके क्या करोगे? तो दोनों ने कहा हम कोई नौकरी कर लेंगे और नौकरी करके कहीं बस जाएंगे और इसके बाद शादी कर लेंगे। तो मैंने लड़के से पूछा कि बेटा, तुमने कोई काम धंधा सीखा है क्या? तो बोला कि धंधा कोई नहीं सीखा है अंकल जी, मैंने बीए किया है। मैंने कहा बेटा, दिल्ली में बीए किए हुए लाखों लोग जो है वो नौकरी की तलाश में हैं और सालों तक नौकरी नहीं मिली, इसलिए बीए जिन्होंने किया है वो लोग ठेला चला रहे हैं।
या दूसरों का ठेला किराए पर लेकर या उनकी तनख्वाह पे जो है उनका ठेला चलाते हैं। दुकान में यदि नौकरी चाहते हो तो भी जो है कोई नहीं देगा, क्योंकि तुमको किसी भी दुकान में नौकरी का अनुभव ही नहीं है और बिना अनुभव के कोई लेगा नहीं। और यदि दूसरे के लिए ठेला चलाओगे कितने पैसे देगा वो तुमको? 1,000 2,000, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 5,000 रुपया दे देगा। दिन का 200, वैसे दिन का 200 नहीं मिल पाता है, मान के चलो 5,000 तुमको मिल जाएगा। और बिटिया तुमने क्या किया है? अंकल जी मैं भी बीए हूँ, तुम कौन सी नौकरी करोगी? तो बोली कोई भी नौकरी कर लूँगी। मैंने कहा कि अच्छा, तमाम लड़कियाँ हैं जिन्होंने बीए कर रखा है और उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तुम जो है नौकरी करना चाहती हो, कोई भी नौकरी, मजदूरी कर लोगी क्या? तो बोली अंकल जी मजदूरी तो नहीं कर सकेंगे। तो मैंने कहा बस फिर तो एक ही है कि पति के साथ जो है, या जिस लड़के से शादी करने जा रही हो उसके साथ जो है ठेला चलाओ या किसी दुकान में काम करो। और दुकान में काम करते हैं, दिल्ली की स्थिति यह है कि वहाँ एक दुकान में 4 लोगों की ज़रूरत है, तो 40 लोग दरवाजे पर खड़े हैं कि हमको कोई नौकरी दे दीजिए। तो 1,000 2,000 वो तुमको देंगे, मान के चलो तुमको भी 5,000 दे दिया दया करके। तो दोनों को कुल मिला के 10,000 रुपये महीना मिलेंगे, जो असंभव है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमको 10,000 मिल जाएगा। रहोगे कहाँ? तो बोले अंकल जी शुरू में तो हम किसी होटल में रह लेंगे और उसके बाद एक मकान ढूंढ लेंगे। मैंने कहा बेटा सस्ते से सस्ता होटल जो है वो एक दिन का जो है 1,000 रुपया लेता है कमरे का, और एक औसत होटल में रहोगे एयर कंडीशन वगैरह नहीं औसत, तो 2,000 लेगा। मान के चलो 1,000 रुपये के होटल में तुम रह गए, महीने में कितने रुपए चाहिए? 30,000। मान के चलो कि कोई दया करके सस्ते में कमरा दे देता है 500 रुपये में, महीने में कितने रुपए लगेंगे? 15,000। तुम दोनों मिलके जो है कमाओगे 10,000, होटल का कमरा पड़ेगा 15,000 का, खाओगे बाकी 5,000 कहाँ से आएगा, खाओगे पियोगे कहाँ से? तो उन्होंने कहा अंकल जी हम दोनों ने मिलके एक 20,000 रुपये के करीब जमा कर लिए। मैंने कहा अच्छी बात है, उसमें से 5,000 तो तुम्हारे वो होटल का देने के लिए एक्स्ट्रा निकल जाएगा, फिर बचते हैं 15,000 महीने भर के खाने पीने और होटल में टिप देते हुए तुम्हारे कम से कम 10-15 तो वैसे ही चले जाएंगे, होटल वाले खाना थोड़ी सस्ता देते हैं। फिर क्या करोगे अगले महीने, क्या करोगे? ये देख के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो लड़के ने कहा कि अंकल जी ऐसा करेंगे होटल में रहने के बदले किसी किराए का मकान ले लेंगे। मैंने कहा बेटा किराए के मकान में एक जवान लड़का और लड़की जाएंगे, पहले वो पूछेंगे आपस में क्या रिश्ता है, तुम बोलोगे क्या कि हम तो घर से भागे हुए हैं, वो लात मार के बाहर कर देंगे। और यदि तुम कहो कि शादीशुदा हैं तो एकदम से जवान जोड़े को देखकर वो लोग कहेंगे कि दिखाओ शादी का जो डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट, लड़की के आधार कार्ड में जो है पति का नाम होना चाहिए, नहीं दिखा पाओगे। तो ये सुन के दोनों के चेहरे लटक गए। मैंने कहा बेटा उपन्यास खूब पढ़ा होगा जिसमें लड़का लड़की भाग जाते हैं, उपन्यास जो है वह कल्पना लोग है लोक है, पिक्चर और सीरियल वगैरह कल्पना लोक है, वास्तविक दुनिया से उनका कोई लेन देन नहीं होता है। वास्तविक दुनिया तुम जैसा सोचते हो वैसा नहीं है। वाकई में दोनों के चेहरे लटक गए। उन्होंने कहा अंकल जी कोई तरकीब बताइए। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारे माँ बाप ने शादी से मना किया क्या? उसने कहा नहीं शादी से मना नहीं, उन्होंने कहा अभी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा बेटा जाके पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो, अपने पैर पर खड़े हो, इतना पैसा बनाओ कि तुम भी खा सको, अपनी पत्नी को खिला सको, और ज़रूरी हुआ तो किराए के एक मकान भी ले सको। लड़की से मैंने कहा कि देखो तुम्हारे माँ बाप ने शादी से मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि लड़का ऐसा होना चाहिए जो इतना कमाता खाता हो, जो तुमको खाना कपड़ा दे सके और सर पे एक छत दे सके, तुम भी वेट करो, इस बीच तुम भी कोई धंधा सीख लो। धंधा सीख लोगी जैसे सिलाई कढ़ाई या 50 धंधे हैं जो स्त्रियां कर सकती हैं, तो तुम भी थोड़ा बहुत कमा लोगी। इसके बाद जब तुम दोनों अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे
तो उसके बाद वैसे भी परिवार वाले शादी करवाने को तैयार है, और नहीं मान लो वो फिर भी मना करते हैं, तो परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग से बात करो ना, वो लोग जो है वो तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने कहा कि जरूरी हुआ तो मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे माँ बाप को समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। इस तरह से यदि तुम दोनों पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ और उसके बाद घर वगैरह अपने घर वालों की मदद से शादी करो, तो जीवन भर खुश ही रहो, खुश रहोगे। याद रखना, शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का आपसी रिश्ता नहीं है। यदि अपने माँ बाप, भाई बहन सबको दोनों लोग त्याग दोगे, जिंदगी भर तुम लोग उसके लिए रोओगे, वापस नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि परिवार के साथ बना के रखोगे, तो याद रखना जिंदगी भर वो लोग तुम्हारे रहेंगे। इतना ही नहीं, दुनिया का जीवन बहुत कठिन होता है, और इस कठिन जीवन में हमें भाई बहन माँ बाप सबकी जरूरत पड़ती है। इस तरह से तुम दोनों यदि ध्यान रखोगे तो तुम दोनों का जीवन खुश होगा। सिर्फ एक काम करना होगा, थोड़ा सा समय और इंतजार करना होगा। जब इतना इंतजार कर लिया है, थोड़ा सा समय और इंतजार कर लो। मैंने दोनों से पूछा कि कब से तुम दोनों का ये चक्कर चल रहा है, तो वो बोले कि 2 साल से। मैंने कहा यदि 2 साल से चक्कर चल रहा है तो 2-3 साल और वेट कर लो, तब तक ना केवल नौकरी लग जाएगी, उसके साथ साथ ये भी तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस लड़की को प्रभु ने तुम्हारे लिए चुना है या नहीं है, इस लड़के को प्रभु ने चुना है या नहीं है। और यदि तुमको लगता है कि चुना है, तो फिर तुम्हारे माँ बाप वैसे ही करवा देंगे, ये सब जो है नाटक वगैरह की क्या जरूरत है। वे दोनों बहुत खुश हो गए और खुशी खुशी घर चले गए। आज जो दर्शक मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसमें जो नौजवान लोग हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, बेटा ये भागा भागी जो है, ये पिक्चर वाले दिखाते हैं, वो सिर्फ कल्पना की उड़ान है। वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। वास्तविक जीवन में हमें अपने परिवारों की ज़रूरत पड़ती है, और परिवार वाले जो सुझाव देते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, उनके मदद की ज़रूरत पड़ती है। और परिवार वाले सामान्यतया अच्छा सुझाव ही देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पिक्चर वाले तो पिक्चर वाले हैं, उनको तो भावनाओं से खिलवाड़ करना उनका काम है। भावनाओं में मत बहो, ये देखो कि वास्तविक जीवन क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, इस तरह से देख के निर्णय लो, तब तुम्हारा जीवन खुश होगा। ओके, तो यदि मेरे सुनने वालों में कोई है जो इस तरह की बातें सोच रहा है, तो जरा अच्छी तरह से सोच लो कि क्या होगा। भावनाओं में मत बहो। जो लोग सुन रहे हैं, वे लोग यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ऐसी बातें सोच रहा है, तो उनको बताओ कि सुनो, जीवन एक कहानी नहीं है, जीवन एक उपन्यास नहीं है, जीवन एक पिक्चर नहीं है, जीवन एक यथार्थ है। और उस यथार्थ से दूर भाग के कल्पना लोक में मत जाना। हाँ, क्लोजिंग में मैं फिर से याद दिला दूं, यदि आपको लगता है कि ये विश्लेषण सटीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था, नीति वचन, पवित्र बाइबल के नीति वचन में कहा गया है 14:12 में, कि एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को बहुत भला लगता है, लेकिन जिसका अंत विनाश है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे सामने इस तरह के कई रास्ते तुमको दिखाई देंगे, तुमको लगेगा कि उसका अंत भला है। कहानी जगत में ही ऐसा होता है, उपन्यासों में ही ऐसा होता है, पिक्चर में ही ऐसा होता है, वास्तविक जीवन में तो उसका अंत विनाश होता है। तो इसलिए भी इसमें मत पड़ना। ओके, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलना, अनुग्रह अपने तक मत रखना, अनुग्रह सबके साथ बांटना। ओके, प्रभु तुमको अपना अनुग्रह दें।